आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रही कोविड वैक्सीनेशन कार्य का लिया जायजा। गोरखपुर बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड संक्रमण के रोकथाम की व्यवस्थाओं की समीक्षा। कहा, प्रत्येक व्यक्ति के जान की रक्षा करना सरकार का काम, कोविड प्रबंधन कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं। एम्स में बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जा रहे 30 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। एम्स प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। कहा, शुक्रवार से शुरू होगी कोविड अस्पताल में मरीज की भर्ती, मिलेगा बेहतर इलाज। जनपद के चरगावा सीएससी पर 18 साल के ऊपर के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन कार्य का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। कहा, नंबर आने पर अवश्य कराए वैक्सीनेशन। कोरोना मरीजों के लिए जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के दरों को किया निर्धारित। एडीएम फाइनेंस ने कहा, मनमाना वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। सेंट्रलाइजेशन के लिए भी अधिकारी किए गए नामित। शादी समारोह में डीजे पर नाचते समय अवैध असलहा लहराकर दहशत फैलाने वाले युवक को कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किया एक अवैध असलहा, भेजा जेल। गोरखपुर में सोमवार को मिले 889 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 42,002। अब तक 529 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 8,042 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पोस्टिंग। राजघाट स्थित ज्वेलरी के दुकान में चोरों ने किया नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ। एसपी सिटी ने कहा, सीसीटीवी के माध्यम से चोरी की हो रही है पड़ताल, जल्द होगा खुलासा। सदर सांसद रवि किशन ने सोमवार को संक्रमण वार्ड में पहुंचकर लिया कोविड का सेकेंड डोज। कहा, कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन है अहम हथियार, करे डबल मास्क का प्रयोग। जिला चिकित्सालय में जल्द ही पीएम केयर फंड और टोरेंट कंपनी द्वारा लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पाइपलाइन से 200 बेड पर उपलब्ध होगी ऑक्सीजन की सुविधा। प्रमुख अधीक्षक ने कहा, ऑक्सीजन प्लांट लगने से कोविड मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। नगर निगम प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज, एम्स परिसर सहित महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया सैनिटाइजेशन, जिससे मिल सके कोरोना संक्रमण से निजात। रविवार को चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3253 और 45 साल से ऊपर के 4408 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। लोगों को नहीं हुई कोई दिक्कत। और शासन के निर्देश पर लगाया गया आंशिक कर्फ्यू का सोमवार को नजर आया आंशिक असर। बंद दुकानों को छोड़कर सड़कों पर दिखी गई चहलकदमी।